के रुपए भी वहां तक जाएंगे? 20 रुपया। हाँ 20 रुपया सब आएगा। तो देखिए रेलवे स्टेशन से आप आएंगे तो ECO से जाना है, तो कथा स्थल जाने के लिए ऑटो का चार्जेस है 20 रुपए। और अरे भाई मजाक नहीं करो, ये कोनो नहीं है, कच्चा नहीं है। महादेव। दोस्तों ये व्हाइट वाला पंडाल देख रहे हैं, 9 नवंबर को नहीं था, भीड़ को देखते हुए इसको बनाया गया है। तो दोस्तों आज शिव महापुराण का दूसरा दिन है। दोस्तों यदि आपके पास है तो आप इस ओर से जा सकेंगे, नहीं तो आपको ये जनरल एंट्री है, इधर जनरल एंट्री तरफ से ही जाना पड़ेगा। तो दोस्तों प्रदीप मिश्रा जी के कथा सुनने के लिए आपको जाने के लिए आप देखिए 4 द्वार है, एक ये परीक्षित द्वार। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज है शिव महापुराण का दूसरा दिन और आज मैं फिर जा रहा हूँ बुढ़ियारी, क्योंकि कल आया था तो मैं लेट से गया था और मुझे वहाँ पर बैठने को ही नहीं मिला था। तो आज आप समय की बात करें तो अभी 9:30 हुआ है और अभी आप देखिए भाटापारा से भी 2 लोग आए हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा राजा यादव। राजा यादव, और आपका नाम? अरुण यादव। तो ये दोनों भाई लोग भी भाटापारा से आए हैं शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए। तो अब मैं इन्हीं लोग के साथ जा रहा हूँ, तो आप लोग के साथ वीडियो पर बने रहिए। वहाँ एंट्री कैसे करते हैं और वहाँ पर जाकर क्या स्थिति है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो पर मिलने वाली है। तो आज शिव महापुराण का दूसरा दिन है, तो चलिए चलते हैं कथा स्थल की ओर। तो आप लोग मेरे इस वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। इस ओर तो मोटरसाइकिल और कार को जाने नहीं दे रहे हैं और अभी देखिए 10 बजा हुआ है और सभी लोग कथा स्थल की ओर ही जा रहे हैं। बहुत भीड़ रहते ताई, एक जगह रहुआ हो, बहुत भीड़ रहते हो, भीड़ बहुत रहते बढ़ा। तो दोस्तों कथा स्थल की ओर आप रेलवे स्टेशन से पैदल जा सकते हैं और यदि आप चाहेंगे तो ऑटो से भी जा सकते हैं, लेकिन मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप पैदल जाइए क्योंकि 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो ये देखिए शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आप ये देख सकते हैं श्रद्धालुओं की कितनी ज़्यादा भीड़ है और ऑटो की भी सुविधा है, तो कई लोग ऑटो से जा रहे हैं। के रुपये भी वहाँ तक जाएंगे? 20 रुपये। हाँ 20 रुपये सवारी। तो देखिए ऑटो की सवारी है 20 रुपये। आप रेलवे स्टेशन से जैसे कथा स्थल को जाएंगे तो 20 रुपये लेगा ऑटो वाला। तो देखिए रेलवे स्टेशन से आप आएंगे तो ECO से जाना है, तो कथा स्थल जाने के लिए ऑटो का चार्जेस है 20 रुपये और 1 किलोमीटर ही दूरी है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा आप ऑटो से ना जाएँ, पैदल जाएँ, क्योंकि 20 रुपये भी बहुत मायने रखता है भैया। 5 नंबर प्लेटफॉर्म से आएंगे तो आप ही देखिए पुलिस वाले जो खड़े हैं, ये 5 नंबर गेट की ओर से रास्ता आता है और इसी रास्ते से आपको इस ओर जाना पड़ेगा कथा स्थल की ओर। तो मैं तो मेन जो 1 नंबर प्लेटफॉर्म था उस ओर से आया हूँ और 5 नंबर का रास्ता इस ओर से आता है। तो आप ये देखिए कथा स्थल में जाने के लिए लोगों की कितनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। तो समय को आप विशेष ध्यान दीजिएगा, यदि आप यहाँ आते हैं तो आप जल्दी आएंगे तो आपको यहाँ पर बैठने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए कथा स्थल जाने का रास्ता लिखा हुआ है। तो दोस्तों कथा स्थल में जाने से पहले आप ये देखिए ये भैया लोग हैं और जितने भी आ रहे हैं सभी को मस्तक पर टीका लगाते हैं। तो दोस्तों आज शिव महापुराण का दूसरा दिन है और आप ये देखिए श्रद्धालुओं की कितनी ज़्यादा भीड़ है, सभी आज आ रहे हैं, मतलब 10 नवंबर है आज और आज शिव महापुराण का दूसरा दिन है। दोस्तों यदि आपके पास है तो आप इस ओर से जा सकेंगे, नहीं तो आपको ये जनरल एंट्री है, इधर जनरल एंट्री तरफ से ही जाना पड़ेगा। दोस्तों प्रदीप मिश्रा जी के कथा सुनने के लिए आपको जाने के लिए आप देखिए 4 द्वार है, एक ये परीक्षित द्वार। दोस्तों यहाँ के समिति द्वारा पास इशू किया जाता है, तो यदि आपके पास पास होगा तब आप ये 4 द्वार बना है
परीक्षित द्वार और सिंह द्वार, तभी आप इस द्वार से एंट्री मिलेगी, अन्यथा आपको यहाँ से एंट्री नहीं मिलेगी। तो यदि आप पहले आते हैं तो आपके पास पास होगा, तभी आप इस द्वार से अंदर जा पाएंगे, अन्यथा आपको जो जनरल द्वार है उसी ओर से आपको कथा सुनने के लिए जाना पड़ेगा। तो चलिए हम उसी ओर चलते हैं, तो आप लोग बने रहो मेरे साथ वीडियो पर। दोस्तों आज शिव महापुराण का दूसरा दिन है और आप ये देखिए लोगों का जन सैलाब कथा स्थल की ओर जा रहे हैं और परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कथा श्रवण करेंगे, तो हम भी इस ओर चल रहे हैं। तो आप लोग भी बने रहिए हमारे साथ वीडियो पर एंड तक, हम जा रहे हैं कथा स्थल की ओर। ये देखिए यहाँ पर LCD भी है, LCD पर आप ये देख सकते हैं और यहाँ पर माइक भी लगा हुआ है, उसके माध्यम से आप कथा सुन सकते हैं। तो चप्पल उतार के जाना पड़ेगा। अरे भाई मजाक नहीं करो, ये कोनो नहीं है, कैसे नहीं है कोनो, तो चप्पल कैसे रखें, हाथ में रखें दीदी? चलिए ठीक, निकालो ना भैया। अरे सॉरी, आप ध्यान रखिएगा, आते हैं तो चप्पल जूता को अपने हाथ में ही रखना पड़ेगा और उसके बाद आप जा पाएंगे कथा स्थल की ओर। इस ओर शौचालय की सुविधा है, टेम्प्रेरी शौचालय, और इस तरफ पानी पीने की सुविधा है। तो आप आते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, कथा स्थल की ओर जाने के लिए चप्पल को अपने हाथ में ही रखना पड़ेगा। पहले तो कल झिल्ली दे रहे थे मगर आज नहीं दे रहे हैं, तो हाथ में ही रखे हैं और चल रहे हैं हम लोग कथा स्थल की ओर। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर घर महादेव। सभी जितने अतिथि आए हैं, जितने शुभक्त हैं, सभी का अभिनंदन वंदन स्वागत। जितने भी VIP गेट में लगे हैं, VIP गेट में लगे हैं, स्ट्रिक्टली चीजों को पालन करें, और पीछे जितने हमारे शुभक्त हैं उनका विशेष रूप से ख्याल रखें, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है जो रात भर चटाई में नीचे बैठकर यहाँ पर शिव पंडाल में शिव महिमा का आनंद ले रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये लोग हैं जो पीछे बैठे, सबसे महत्वपूर्ण रात दिन शिव सेवा में जुटे हैं, ऐसे कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। रात दिन एक करती है हमारे 5000 देवतुल्य कार्यकर्ता, वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सभी सेवा करें, सभी शिव चर्चा करें और सभी आनंद लें, और व्यवस्था पे ध्यान दें, जहां जिसकी व्यवस्था लगाई गई है वो वही व्यवस्था को करे। जहां जहां महादेव, दोस्तों कथा की टाइमिंग है 1 से 4 और आप ये देख पा रहे होंगे अभी 11 बजा हुआ है और लोग 2 घंटा पहले आ गए हैं यहाँ शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए। तो आप ये देखिए, यदि आप आते हैं तो आपको भी शीघ्र आना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपको यहाँ पर बैठने को मिलेगा। यदि आप लेट करते हैं तो आपको यहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप जल्दी आइए। तो दोस्तों जब तक आपके पास VIP पास नहीं है तो आप करीब से प्रदीप मिश्रा जी के दर्शन नहीं कर पाएंगे, तो चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पहुँच गए वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों कथा समाप्ति के बाद 4 बजे आरती होती है, तो आप ये देखिए जो लोग अंदर नहीं जा पाए थे कथा सुनने वो बाहर से ही कथा सुन रहे थे और अभी आरती में शामिल हुए हैं। जय 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 जय
महादेव की जय।